अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहे थे हम लोग। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज जो है 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग रीड करो तो क्या राइट किया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स देन फाइंड 3a - 2b। मतलब आपको उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है, उनका ये आपके पास गिवन है 1 - 2, 3 and 4 और बी भी आपके पास ये होता है 0, 7 - 3 and 8। ठीक है, और उसे फाइंड करने को कहा है आपको 3a - 2b। ठीक है, 3a - 2b फाइंड करने को। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो मैं इनकी जगह की वैल्यू टू 3 एज इट इज, ए की जगह ए की वैल्यू, देखिए जो जो वैल्यू उसकी जगह पुट कर देंगे, और माइनस 2b की जगह बी की मैट्रिक्स यानी उसकी वैल्यू, यानी सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब देखिए इनको करना है हमने माइनस, माइनस करने से पहले आप देखो इस मैट्रिक्स के बाहर 2 लिखा है, इस मैट्रिक्स के बाहर 3 लिखा है, हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आंसर आएगा, दस जितना मिलता है उनको माइनस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई पहले करना होगा, 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप लिख लो या डायरेक्ट कर लो, जैसे आप 3 को फर्स्ट के साथ करो, 3 को सेकेंड वन पहले के साथ कर दो, 3 को थर्ड के साथ कर दो, 3 को लास्ट वाले के साथ कर दो, इसी तरह इसमें 2 को सबके साथ कर दें, ऐसे मल्टीप्लाई डाल दिया, बैकेट डाल के बाद एक ही है तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके साथ, सॉरी यहाँ माइनस 2 हो जाए, माइनस 2 उसको बाद में करेंगे हम, और ये यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई की है और जो आंसर है उसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के बाद में हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, 2 8 16। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस, जैसे हमने लास्ट में किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में किया था, देखिए फर्स्ट वाली को फर्स्ट वन में से, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में से, फोर्थ को फोर्थ में से माइनस करना। फर्स्ट लिखी माइनस डालना, सेकंड लिखी, फर्स्ट लिखी माइनस डालना, सेकंड लिखी, 9 लिखा लेकिन ये माइनस डाला, और ये नेगेटिव में खुद भी मिलते थे, ये खुद भी एक नेगेटिव, एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये, तो ब्रैकेट डाल कर के दोनों नेगेटिव, फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, 12 माइनस डाला और 16, क्योंकि इनके साथ प्लस था, इससे कितना माइनस आ गया, तो हम ऐसे तो ही डाल सकते थे, अगर ऐसे डाले तो वो नेगेटिव नेगेटिव कोई सेंस नहीं बना रहा, इसलिए हम ब्रैकेट यूज कर लेते, तो ये पहले से सॉल्व होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, मैंने इसी स्टेप में चेंज कर, आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो। अब इन दोनों प्लस माइनस कर लेते हैं, 3 में से 0 निकाल लें, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दोनों को 20, और बड़े वाले का साइन है नेगेटिव, आंसर में वो साइन लगाते हैं जो ग्रेटर वन के साथ होता है, 9 + 16 = 15, 9 + 6, ये कुछ भी डाला मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 12 निकालें, 4 आ जाता है, ग्रेटर वन का साइन नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने मतलब उसको माइनस करके लिखे, हमने उसको माइनस करके लिख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अगर आप लोग देखो तो वो भी कुछ ऐसे ही नोट कर लीजिएगा होमवर्क, मतलब आप ये क्लास वर्क पे करते हो आपको उसको होमवर्क में देने की जरूरत नहीं, रात को नोटबुक पे बैठे शुरू कर लीजिए। ठीक है, अब इसी का ही 6 का सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में माइनस करने का कहा गया, लेकिन फर्क इतना है उसके माइनस करने वाली वैल्यू पे ट्रांसपोज डाल, इन्हें उसने कहा कि 2 को मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज से, 3 को मल्टीप्लाई करें बी ट्रांसपोज से, और जो दोनों का आंसर है उसको माइनस करें। हमारे पास ए और बी तो है लेकिन उनके ट्रांसपोज नहीं है, तो पहले अगर उनके ट्रांसपोज देने पड़ेंगे फिर हमें उनको आगे सॉल्व करने का पड़ेगा, पहले ए थे हमारे पास ए, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज का होता है मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज करते थे और कॉलम को रो में चेंज करते थे, अगर आप देख लो तो ये डेफिनेशन
मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, पीछे पेज था हमारे पास पेज नंबर 5 की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, वहां से फर्स्ट कर लीजिएगा कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में, यानी फर्स्ट रो थी ये सेकंड रो थी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ऐसे कॉलम को यानी उनकी जगह चेंज हो गई, ये ट्रांसपोज आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास क्वेश्चन क्या था, खुद दिया हुआ जो उन्होंने वो था 07-3 and 8। अब इसका भी ट्रांसपोज चाहिए, इस क्वेश्चन ए और बी चाहिए, उन दोनों का ट्रांसफर चाहिए, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये हम नहीं यूज करते, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, उन्होंने कहा है 2 को ए के ट्रांसपोज़ में डिफ्लाई करें, 3 को बी के ट्रांसपोज़ में डिफ्लाई करें, दोनों को माइनस करें। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं रखनी, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख देते हैं, क्या ये ट्रांसपोज की वैल्यू, ये वैल्यू 1, 3, -2, 4 माइनस 3, बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 5, 7 और 8। बिल्कुल ऐसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया कि पहले आप इसको सबसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को माइनस कर दोगे, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट में करवाती हूँ, यहाँ से समझे वो नेक्स्ट बिल्कुल वैसे शुरू हो गए, ये दोनों पार्ट आप लोगों ने कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ग मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा होगा आपके पास, कि इफ वैल्यू गिवन है, अगर ये वाली वैल्यू गिवन हो तो उन्होंने कहा है आपने इसके आगे इसका ए और बी फाइंड करना, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन गाइड कर लेते हैं, बाकी सारा वही वाली है जो मैंने नीचे वाली क्वेश्चन की गलती से देख ली, ठीक है, यहाँ ए लिखा हुआ था और माइनस फोर था, और इसका मतलब यहाँ 24 है, ठीक है, और ठीक है बाकी सारा कुछ अब इसको दिखा देते हैं, यानी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 24
यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, कुछ प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। अब होता है 4 + 3 क्या होगा, प्लस 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 7 हो गया, मैंने 7 लिख दिया, 7 हो गया। इसके बाद कुछ और तो हो रहा होगा, ये अगर मैं इसमें से माइनस हो तो ये 18 और ये आ जाएगा 24 पर ये तो लिखा 18 आ गया। ठीक है, अगर उन्होंने देखिए दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कहा है, आगे भी तो सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी फाइंड करने को उन्होंने कहा है, ये वाला लिखा हुआ है कि ए और बी इसमें यहाँ जो हो रहे हैं दोनों को फाइंड करें। ठीक है, देखिए 7 और 7 इक्वल आ गया, 18 और 18 भी इक्वल। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्रॉसकोर्डिनेट मैट्रिक्स इक्वल होती है, पहले दो तो इक्वल नजर आ गई, इसमें ए और बी आ रहा है, यानी थर्ड वन सेकंड वन सेकंड वन की इक्वल रखनी है, और ये इसके इक्वल रखिए, यहाँ से यूनिट का आंसर निकल जाएगा हमारे पास। तो फिर बाकी दोनों ये 7 = 7 तो था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो इक्वल होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, जो नहीं है फिर हम उनको लिखेंगे और आगे उनको सॉल्व भी करेंगे, तब फिर वहाँ से ए और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, तो मैंने लिख दिया कि जो ए वाली वैल्यू थी सेकेंड, इसकी सेकेंड की इक्वल थी, और जो ए वाली थी वो इसकी इक्वल थी। ठीक है, 2a - 12 = 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से बी आ जाए हमारे पास, हमें बी चाहिए तो हम बाकी सारा कुछ वहाँ ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेन यहाँ लिखा था, ये प्लस हो रही थी, माइनस यहाँ जाती हो जाएगी, देखिए ना प्लस की, सबसे पहले प्लस की माइनस वाली वैल्यू बोल देने के जाते हैं। ये आ गया हमारे पास 2 और बी चाहिए 3, इस पर मल्टीप्लाई और ऐसे नीचे जाके डिवाइड, यानी बी का आंसर आ गया बिल्कुल ऐसे, ए का बिल्कुल आ जाते हैं। ए चाहिए यहाँ पर 12 नहीं चाहिए, एक एक करके सारे वैल्यू सुधर जाएंगे, 12 माइनस के अंदर जाके प्लस का हो गया और ये 13, दोनों को सॉल्व किया और ए और बी की वैल्यू आ गई। तो अब हमने यही फाइंड करना था, यही वाला जो है वेरीफाई हो गया, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे अब कंप्लीट हो गए। आपने अब ये देखना है आज के हमारे ये दो क्वेश्चन ही थे, नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपने वो करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 करेंगे, 8 में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यूज होगी, तो वो मैं आपको आज करवा देती हूँ ताकि आपको लर्न हो, नेक्स्ट टाइम फिर आप लोग इजीली इसको समझ लो। पेज नंबर अगर आप लोग ओपन करो ना 6, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन मिलेगी, वो रीड कर लेंगे। पेज नंबर 6 ओपन करें, मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले स्क्वायर होना जरूरी है, ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर रोज 2 हैं तो कॉलम भी 2, रोज 3 हैं तो कॉलम भी 3, ऑर्डर सेम होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देने के लिए पहले मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो उसमें ये देखना उसका ऑर्डर सेम है, तो आगे सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगानी है उसको। आर स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी मैं अगर आपको ये बोलने से मैं नीचे एग्जांपल देंगे वही वाली एग्जांपल देते हैं फिर आपको पता चल जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स एम दी हुई है उन्होंने 1 2 3 2 - 1 4 3 4 और 0, उसने कहा है एक मैट्रिक्स का इसकी रोज है 3, इसकी कॉलम है 3, ऑर्डर क्या होगा 3 by 3, इसका ऑर्डर सेम होता है, वो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये बात हो गई। अब उसने मैं इसका ट्रांसपोज ले, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अगर आप देखो कि मैंने ट्रांसपोज ले लिया इसका, पहली रो 1 2 3 1 2 3, 2 - 1 2 2 - 1 2 3 4 0, इन ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही था। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अगर आपके पास वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो दोनों अगर एक जैसे हो क्या कर सकते, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, और ये उसकी मैथमेटिकली फॉर्म हम कह सकते हैं कि फिर हम उसको ऐसे राइट कर देते हैं, ये उन्होंने ऊपर लिख के लिखा है डेफिनेशन आपने कल ली, उन्होंने लिखा हुआ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दोनों में से ऐसे आप ग्राफ में लगा
बननी थी तो उसने आगे लिखा हुआ कि नॉट इक्वल टू ए क्योंकि लीस्ट प्रिमिटिव मैट्रिक्स नहीं बनती। अच्छा अब एक डेफिनेशन दीजिए स्क्यू स्प्रिमिटिव, ये तो स्प्रिमिटिव की है ना, अब आगे आपके पास है स्क्यू स्प्रिमिटिव, वो जरा इसको अंडरलाइन करें और नेक्स्ट को देखें। एक स्प्रिमिटिव मैट्रिक्स की स्क्यू स्प्रिमिटिव क्या होती है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही करनी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जब आपने उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो आपके पास उसके नेगेटिव की हो रहा है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं एक मैट्रिक्स आपके पास थी ए, फॉर एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3, 1, 0, ये मैट्रिक्स थी, मैंने इसका क्या लिया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जब देखें पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और थर्ड वन रो थर्ड वन ऐसे हो, ये एक मैट्रिक्स थी, ये उसका ट्रांसपोज है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसका ही ट्रांसपोज आता है। अब आप देखो 0, 2, 3 वर्ड सारे वही हैं लेकिन साइन चेंज, मतलब अगर यहाँ पर देखें 0 साथ कोई साइन नहीं था, अगर यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस टू, 3 है माइनस 3, 2 माइनस 2, 0 के साथ कोई साइन नहीं था, मान लें तो माइनस 1, देखिए मतलब आंसर वही वाला है लेकिन साइन उल्टे हो गए, अगर कोई प्लस पर था वो माइनस में आ गया, कोई माइनस पर था तो प्लस में आ गया। तो इससे हमने ये देखा कि अगर एक मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज लिया और वो उसी मैट्रिक्स क्वेश्चन करे कि माइनस थ्री पर आ गए उसको उसमें सारे के साथ माइनस आ गया, माइनस आ गया मतलब साइन चेंज हो गया, अगर मैं इसको दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करूँ ना आपको तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा चेंज हो जाएगा, दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट ऐसे लिखी है कि अगर एक मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज लिया और उसी में इक्वल है लेकिन सब चाइन साइन जो है वो माइनस में आ गया, माइनस में आ गया मतलब चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैंने एक साइड सॉल्व की, मैंने ए का क्या लिया है समझे, ए था आपके पास ये यहाँ नहीं लिखते कि ए था इसका ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है इससे ज़्यादा समझ आ गया, एक मैट्रिक्स थी इसका क्या ले लिया ट्रांसपोज। अब मैंने देखी एक मैट्रिक्स ए थी ना, आपके पास ये कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए माइनस ए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज ले लिया, अब उस साइड में क्या दूंगी ए को माइनस से मल्टीप्लाई, ए को माइनस से मल्टीप्लाई, ए था आपके पास ये इसको कर दूंगी माइनस से, माइनस ए निकाल ए का माइनस निकाल दे ए को माइनस, तो ये क्या हो जाएगा सारा साइन चेंज, इसका प्लस उसका माइनस, इसका माइनस उसका प्लस, ये नेगेटिव है क्या और ये ट्रांसपोज है, लेकिन दोनों के आंसर क्या है सेम। इसका मतलब है कि अगर एक साइड पे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और दूसरी साइड पे उसी का ही माइनस किया जाए और अगर वो दोनों आंसर इक्वल आ जाए कि ये इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी कंडीशन पूरी कर ली है। अगर ये दोनों इक्वल ना आते तो हम कहते हैं ये नहीं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन आ जाती है वाली, और इसका शॉर्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, आज के इतने करने आपने दोनों डेफिनेशन लर्न करनी है, इसको होमवर्क में राइट भी करना है और जो दो क्वेश्चन करवाए हैं वो भी होमवर्क में राइट, मतलब होमवर्क का मतलब है कि आप यहाँ क्लास वर्क में या होमवर्क में एक डेट पर वो काम होना चाहिए एक एक दफ़ा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।